कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगातार लोगों की मदद की है। संत हिरदाराम नगर में रेलवे स्टेशन पर स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने श्रमिक ट्रेन से जाने वाले सभी मजदूरों के लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था की। विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था की। स्वयंसेवक संघ देश पर आए हर संकट में पूरी ताकत और समर्पण भाव से सहयोग करता आ रहा है। इस कार्य में जुटे स्वयंसेवकों का विधायक रामेश्वर शर्मा ने आभार व्यक्त कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। शर्मा ने कहा कि पीड़ित मानवता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण देश भर में सहयोग दे रहे हैं। उसके साथ ही संत हिरदाराम नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों बोरवन क्लब भाजपा मंडल एवं युवा साथियों द्वारा यात्रियों को भोजन फल बिस्किट चिप्स के पैकेट बांटे गए। यात्रियों ने स्वयंसेवक संघ के इस कार्य की सराहना की। जी आज संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर स्वयंसेवी संगठनों ने, व्यापारिक सामाजिक संगठनों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने हजारों पानी की बोतलें इकट्ठी की। यहाँ पर पोहा बांटा गया है, यहाँ पर भोजन के पैकेट बांटे गए हैं, यहाँ शरबत बांटा गया है, यहाँ केले फल और बांटे गए हैं, बिस्किट के पैकेट बांटे गए हैं। जो मजदूर विपरीत परिस्थितियों में अपने स्थान से गंतव्य अपने जो है निवास स्थान की तरफ जा रहे हैं, इन मजदूरों को संदेश है भारत के प्रधानमंत्री जी की ओर से कि आप परेशान मत होइए, भारत की जनता आपके साथ है, भारत के व्यापारी आपके साथ है, भारत के डॉक्टर आपके साथ है, भारत की पुलिस आपके साथ है और सब लोग इन मजदूरों की चिंता करेंगे, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। काम कर रहे थे, कब से परेशान थे वहाँ पर? तीन महीने। अभी कहाँ जा रहे हैं? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।